हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्यन बुक्स ऑफिस में। तो गाइस, आज हम लोग जानने वाले लाइगर स्टार विजय देवरकोंडा के फिल्म लाइगर के बुक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गाइस, इस मूवी को रिलीज़ हुए आज 5 दिन हो चुके हैं, तो इसके 5 दिन के बुक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के बजट की। तो गाइस, इस मूवी को 100 करोड़ के बजट से बनाया गया था और इस मूवी को वर्ल्ड वाइड 3,450 स्क्रीन में रिलीज़ किया गया था। और इस मूवी के डायरेक्टर है पुरी जगन्नाथ और इसके लीड रोल में आपको विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे एंड रम्या कृष्णन इसके लीड रोल में आपको नजर आए थे। तो फिर बात करते गए इस मूवी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो गए इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 15,95,00,000 रुपये का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था और अपने दूसरे दिन 7,70,00,000 रुपये का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 2 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 23,65,00,000 रुपये का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। तो फिर बात करते गए इस मूवी के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो अपने तीसरे दिन इस मूवी ने 6,95,00,000 रुपए का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 3 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 30,20,00,000 रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। तो फिर बात करते गए इस मूवी के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो अपने चौथे दिन इस मूवी ने 5,40,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 4 दिनों का जो टोटल कलेक्शन है वो 35,80,00,000 रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। तो फिर बात करते गए इस मूवी के पाँचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। यानी कि आज के दिन इस मूवी की कितनी ऑक्यूपेंसी आ रही है। तो गए आज के दिन ये मूवी 1,50,00,000 रुपए का ही कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 5 दिनों का जो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो 37,30,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर दिया है। तो फिर बात करते गए इस मूवी के ओवरसीज मार्केट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो अपने शुरुआती 5 दिनों में इस मूवी ने ओवरसीज मार्केट से 35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यानी कि इस मूवी का जो शुरुआती 5 दिनों का जो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 72,30,00,000 रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। तो फिर बात करते गए जिस मूवी के हिट और फ्लॉप की। तो गए जिस मूवी को हिट होने के लिए कम से कम 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके ये मूवी हिट साबित हो सकती है। वैसे गैस, आपको क्या लगता है ये मूवी 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके एक हिट मूवी साबित हो सकती है? गैस कमेंट में ज़रूर बताना। तो गैस आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।